नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज और आजमगढ़ से खबर आ रही है ट्रेजनी के मामले में। आइए जानते हैं क्या खबर है और क्या मामला है। पेंशनर्स का जीवित प्रमाण पत्र का फॉर्म भरा जा रहा है जी सर। अच्छा, ये प्रक्रिया कितने देर की होती है और इसमें बुजुर्गों को कोई असुविधा तो नहीं हो रही? नहीं, प्रक्रिया तो 5 मिनट की है सर जी, बाकी कोई बुजुर्गों कोई दिक्कत, जो स्टाफ है वो उसको प्रिंट लेता है का उसको सुरक्षित रखता है और इससे इनका जो है एक्सेप्ट करके इसको फॉरवर्ड कर देता है। तो ये चीज़ें इस व्यू से हो जाती है। एक डाकखाने की भी व्यवस्था है कि संबंधित डाकखाने पर ये अपना जमा कर सकते हैं। बैंक में सुविधा दी गई है, जो निकटस्थ अगर कोई बैंक है वहाँ से जीवन लाइफ सर्टिफिकेट अपना जमा कर दें, बैंक का एक मुश्त वो कलेक्ट करते हैं, हमको भेज देते हैं। जो सबसे लास्ट का ये है कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो आकर के ट्रेजरी के स्तर पर ये करते हैं। ओवरऑल हमने देखा है कि फैसिलिटीज और व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक उत्सव जैसा प्रतीत हो रहा है। मैं अपने स्तर से भी इस चीज़ को देखता हूँ, बाहर निकल करके गेट पे कोई असुविधा न होने पाए वहाँ भी हमने होमगार्ड लगा रखा है, वो सबको बताता है कहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टाफ लगा हुआ है, अलग से स्टाफ लगाया गया है बाहर, वो कुर्सी और मेज के साथ है वहाँ पे, उनको फॉर्म भरने में जो है कि मार्गदर्शन कर रहा है, गाइड कर रहा है। वहाँ बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था करा दी गई है। इसलिए हमारे स्तर से ट्रेजरी आजमगढ़ के स्तर से भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि ये जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनके लिए उत्सव जैसा माहौल है उसमें हम लोग भी अपनी सहभागिता दें। हमारे साथ हैं आजमगढ़ ट्रेजरी ऑफिसर गिरीश जी, जिन्होंने बताया कि जीवित प्रमाण पत्र जो कि सारे पेंशनर्स को देना पड़ता है और ये गाइडलाइन जो है गवर्नमेंट की है और हर साल नवंबर में इसको दे। हाँ, इसमें मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि नवंबर का कोई डेडलाइन नहीं है। ओके, किसी भी महीने में जीवन प्रमाण पत्र आ करके अपना दे सकते हैं। मेरे द्वारा तमाम लोगों को, मेरे स्टाफ द्वारा बताया भी जा रहा है कि पूरे साल किसी भी दिन आकर दे सकते हैं। बहुत एक परंपरा में हो गया है जी कि नवंबर में लोग आते हैं। ओके सर, ठीक है। जैसा कि सर ने बताया कि जीवित प्रमाण पत्र साल में एक बार देना आवश्यक है और वो कभी भी कोई दिया जा सकता है। अब आजकल उसके लिए डिजिटल माध्यम भी हो गए हैं, लेकिन लोग बाग इसको